नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं वीरेंद्र कुमार। आज मानव सेवा संघ में ना सिर्फ स्टेट बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार और विकास कुमार ने अपनी मां लक्ष्मी देवी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई, बल्कि कई लोगों ने यहां इनके कार्यों को सराहा। जिस प्रकार आप देखते हैं मानव सेवा संघ लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। अब कहा भी जाता है, घनश्याम गुप्ता ने कहा इंटरव्यू आपने मेरे साथ देखा, इन्होंने कहा था चाहे वो आंधी हो या तूफान हो, ना मानव सेवा संघ का ये सेवा रुकी है ना कभी रुकेगी। आपने देखा होगा लॉकडाउन से शुरू की गई ये योजना, लॉकडाउन के बाद से शुरू किया गया ये कार्यक्रम, अनवरत जारी। पहले तो सिर्फ शनिवार को ही खिचड़ी खिलाई जाती थी, लेकिन अब सप्ताह में कभी कभी तीनों दिन, कभी कभी चार चार दिन लोगों को भोजन मिलता है। देखिए सबसे बड़ी सेवा गरीबों की सेवा होती है। जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हैं ना, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक आती है, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर आता है। देखिएगा हमारी खाती कार्यक्रम किया मनोज कुमार ने अपनी माँ की फोन कैसे कैसा लग रहा है? हम तो मिथिले जी के माँ के और पिताजी के पुण्यतिथि में हर वर्ष आते हैं, और हमको इस दिन पुण्यतिथि का याद रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि मानव सेवा संघ में अपने माँ का पुण्यतिथि मनाना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता है राजा वासियों के लिए कि मनोज जी अपनी माँ का पुण्यतिथि मानव सेवा संघ में मना रहे हैं। वो हमेशा अपील करते आ रहे हैं, आज भी अपील करना चाह रहे हैं झाझा के तमाम सम्मानित लोगों से कि आप बढ़ चढ़ के मानव सेवा संघ में हिस्सा लें और मानव सेवा संघ को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सप्ताह में भी 2 से 3 दिन पका हुआ भोजन का व्यवस्था होता है मानव संघ के द्वारा। और अगर लोग कहीं ना कहीं सर भूखे को भोजन कराना, सर क्योंकि अभी रमजान का महीना है तो कहीं ना कहीं लगता है सवाब का बात विषय होता है। भूखे को भोजन कराना रमजान के महीना में सवाब का काम तो है ही, सालों भर सवाब का काम है। सालों भर लोग अगर भूखे को भोजन कराए, प्यासा को पानी पिलाए, तो इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा सवाब का कोई काम नहीं हो सकता। आज मिथिलेश कुमार मनोज कुमार की तरफ से व्यवस्था की गई, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? बड़ी खुशी की बात है मनोज कुमार के सब पुत्र अपने माता पिता के आज में उन तमाम गरीबों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये मानव सेवा धर्म के लोग जो घनश्याम गुप्ता हैं, इन्होंने एक आज कार्यक्रम चलाया जिनके नेतृत्व में झाझा के तमाम प्रगतिशील लोग आगे बढ़कर समाज के दबे कुचले वैसे लोगों को जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है उसके प्रति अपना वफादारी शो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस देश में आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इन लोगों को जब देखता हूं तो लगता है कभी भी मेरा देश गरीब है। इसके लिए हम तमाम लोगों को सब भेदभाव भुला करके समाज के उन्नयन के लिए कुछ काम करना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि इन तमाम लोगों में शामिल समर्पित रहता है मानव सेवा संघ के कार्यों के किस रूप में देखते हैं? देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज की सबसे बड़ी बीमारी वो है गरीबी। अगर भूखा को अनाज दे रहे हैं, प्यासा को पानी दे रहे हैं, तो धरती पर इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और घनश्याम गुप्ता जी जो मानव सेवा संघ को अनवरत कितने कितने सालों से चला रहे हैं, ये पता नहीं कहां से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मानव सेवा संघ जो ये सेवा दे रहे हैं, ये अनवरत सेवा देते रहे, और झाझा में जो गरीब है, भूखा है, प्यासा है, जिनको समय समय पर खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, ये झाझा के लिए बहुत बड़ा सौगात है। हम झाझा के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करेंगे कि जो भी सक्षम व्यक्ति हो वो इस गरीब के लिए आगे आए और गरीबों को भोजन कराए। हमारे भी पिताजी का पुण्यतिथि जब हम मनाते हैं, इसी तरह से रूप से 12 जनवरी को हमारे पिताजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला 12 जनवरी को मानव सेवा संघ के तत्वाधान में इनके बैनर तले हम अपने पिताजी का पुण्यतिथि बड़े धूमधाम बढ़ते जा रहा है मानव सेवा संघ का। क्या हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी मानव सेवा संघ की ओर से पका हुआ भोजन, सब्जी और चावल की व्यवस्था की गई। आज हमारे मित्र जो झाझा SBI में मिथिलेश कुमार और मनोज कुमार की मां की 10वीं पुण्यतिथि है, उन्होंने 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों के बीच भोजन कराने का काम किया। मैं मानव सेवा संघ की ओर से उनकी मां को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और भगवान से कामना करना चाहता हूं कि जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मानव सेवा संघ जिंदाबाद। उनकी माता जी का 10वीं पुण्यतिथि
मनाई जा रही है, उस उपलक्ष्य में उधर देखिए बैठा भी मानव सेवा के बैनर के तहत हमारे जो नारायण हैं उनको भोजन कराया जा रहा है। और ये जो परंपरा जो मानव सेवा संघ के तहत जो प्रारंभ हुआ है, ये और हम अपील करेंगे समाज के वैसे लोग जो अभी भी इसमें मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं इस अभियान में, वो तन से मन से धन से जैसे भी हो इस मुहिम में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपना सहयोग करें, ताकि ये जो संघ है इसका जो मकसद है, इसका जो अभियान है वो निरंतर चलता रहे। देखिए हर शनिवार को मानव सेवा संघ के तत्वावधान में गरीबों को भोजन कराया जाता है और इसकी अगुवाई घनश्याम गुप्ता जी करते हैं और उनके साथ जो सहकर्मी हैं बड़े तन्मयता के साथ और बड़ा मेहनत के साथ सुबह से लेके जब तक यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता खड़े रहते हैं। आज स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं श्री मिश्रेश जी, उनकी माँ का जो है 10वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर उन्होंने आज कहा कि हमारे माँ की पुण्यतिथि है और गरीबों को भोजन हमको कराना है और मानव सेवा संघ से बड़ा बैनर झाझा में कोई नहीं है, मैं इसी बैनर के तहत आज माँ की पुण्यतिथि करूँगा और गरीबों को। डॉक्टर गौरांग सर क्या कुछ हो रहा है आज यहाँ? आज हमारे एक स्टाफ मनोज कुमार जी के माता पिताजी का पुण्यतिथि है, उस पर इन्होंने यहाँ पर एक गरीब लोगों के भोजन का आयोजन किया है और उसी में हम लोग सब शामिल हुए हैं और उसी पुण्यतिथि पर। सर क्या नहीं लगता गरीबों की सेवा करके दिल को एक सुकून मिलता है, जब सीख महसूस होता है, क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल, गरीबों की सेवा नहीं, देखिए अन्नदान महादान होता है और अन्न के लिए ही पूरा जो देश जो है किसान वर्ग सब लगा होता है और आज इन लोगों को जो हमारे यहाँ जो कहता है कि लोग एक शाम भूखे सोते हैं, उस चीज़ को जो है दूर करते हुए भोजन की व्यवस्था करना, ये अपने आप में बहुत उदाहरणीय बात है। प्रयाग झाझा में इस प्रकार देख करके हम लोग भी इससे प्रेरित हो रहे हैं, हम लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं तो हम लोगों को भी कहीं कहीं करना चाहिए। खिलाए सब कहा जाए गरीबों की सेवा करके जो लोगों को सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। जिस तरह का स्टेट बैंक अपनी माँ की पुण्यतिथि पे लोगों को भोजन करा रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसा लगता है ये सब करके आपको? आज मेरी माँ की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप प्रेस बंधुओं को जो आए और कवरेज किए, और धन्यवाद देना चाहता हूँ मानव सेवा संघ के सभी पदाधिकारी को और उनके सदस्य को कि उन्होंने इतना बीड़ा उठाया कि हर गरीब कोई भूखा न रहे। मेरा एक ट्रस्ट है राम सखी लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माँ पिताजी के नाम से, उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं बराबर अपनी माँ के पिताजी के पुण्यतिथि में या अदर भी वाजबी गरीबों को खाना खिलाना, मेडिकल सुविधा, मेडिकल चेकअप कराना, विभिन्न तरह का कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। आपकी तरफ लगभग लगभग गरीबों की सेवा में तत्पर रहा था, के माध्यम से लोगों को भोजन कर रहे थे, क्या लगता है ये मानव सेवा संघ कहाँ तक पहुँच जाएगा? मानव सेवा संघ ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे इस अच्छे कार्य से प्रेरित होकर के लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही अहम रोल है, जो सेवा भाव के लिए लोग तत्पर हो जाते हैं और इस तरह का सेवा का काम करवा। मैं मानव सेवा संघ को और जो इसमें सहयोग देते हैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रेरणा देता हूँ कि भाई आप अधिक से अधिक। मनोज कुमार, मिथिलेश कुमार, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी, विभीषण, तमाम लोग आज यहाँ गरीबों की सेवा में मानव सेवा संघ में मौजूद हैं।
ये मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की तो गारंटी नहीं, लेकिन गरीबों की सेवा करके जो सुकून मिलता है ना, वो भी किसी आनंद से, किसी परम सुख से कम नहीं। लगातार मानव सेवा संघ गरीबों की सेवा में इनकी पूरी टीम, पूरे लोग खरा उतरते हैं। गरीबों को भोजन कराते हुए आज जो स्वजन है, ये बैंकर मनोज कुमार की तरफ से है, माँ की दशमी, इनकी माँ की आज दशमी है, आज पुण्य तिथि है। आज देख रहे हैं विभीषण जी को, जो एम्बुलेंस संचालक हैं कहीं ना कहीं।